दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के मौसम समाचार में। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कैसा रहेगा आज देश भर के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू किया जाए इससे पहले कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं, साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि दशहरे पर होगी बारिश, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। दोस्तों 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। दोस्तों दशहरा पर कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 12 से 16 अक्टूबर के बीच केरल, माहे, तमिलनाडु में अलग अलग जिलों में तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में 12 से 18 अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा। यहां सुबह शाम धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। एनसीआर में अगले एक हफ्ते अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है। दोस्तों दिल्ली की हवा रहेगी साफ, यानी आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर AQI का लेवल 100 से 150 के बीच रहेगा। दोस्तों बच्चों और बुजुर्गों को सलाह है कि वह सुबह शाम ठंड से बचाव करें। अरब सागर पर तेज हवाओं से यहां होगी बारिश। इसके अलावा 13 अक्टूबर की सुबह अरब सागर के मध्य और पूर्व हिस्सों पर हवा का तेज प्रेशर बना हुआ है। तेज हवाएं मध्य अरब के ऊपर से महाराष्ट्र तट के पश्चिम उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ेंगी, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र के मध्य हिस्से, गोवा और कोकण में बारिश होगी। दोस्तों 12 और 13 अक्टूबर को बिहार और झारखंड में बारिश होने की संभावना है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में कोकण, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन में तेज बारिश हुई है। इसके अलावा रायलसीमा, छत्तीसगढ़, दक्षिण अंतरिक्ष कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में हल्के से मध्य बारिश हुई है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण में आ रही हवाओं के चलते 12 और 13 अक्टूबर को गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। दोस्तों इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। दोस्तों जानिए दिल्ली में कब होगी ठंड की दस्तक। देश भर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों कहां भारी बारिश देखने को मिल रही है तो आपको बता दें कि राज्य में धूप खिली हुई है। दोस्तों हर साल दशहरा के बाद हल्की बारिश और ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों लेकिन इस बार लोग अभी भी गर्मी से परेशान है। वहीं कुछ राज्यों में भारी बारिश का आतंक जारी है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 दिनों के बीच दिल्ली भी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रह सकता है। दोस्तों इसके बाद तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। मुंबई में कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों मुंबई में बीते गुरुवार को भारी बारिश हुई जिससे चलते के इलाकों में पानी भर गया है। दोस्तों इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत ठाणे और पालघर के इलाकों में देखी गई है। तो दोस्तों आप कौन से राज्य में जिले से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ कैसा मौसम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना मौसम के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।